हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस में अभी एक महामारी चल रही है, इस महामारी में बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, कैसे बच्चों को स्वस्थ रखा जाए, कैसे बच्चे ऐसे स्ट्रांग बने, रोग प्रतिरोधक क्षमता हो कि वो वायरस से लड़ने की शक्ति पैदा करें। तो कुछ ऐसी जानकारी आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो आपको मैं शेयर करता हूँ। नंबर वन, बच्चों के खाने में फल सब्जियाँ जरूर शामिल करें। उससे क्या है, बच्चों को एक एक्स्ट्रा एनर्जी महसूस होगी। जैसे कि आप सेब शामिल कर सकते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में खरबूजे आ रहे हैं, तरबूज आ रहे हैं, नारंगी, और सुबह शाम एक कोई सा भी जूस बच्चों को जरूर पिलाएं। इससे बच्चों को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। सिर्फ अपन खाने से ही बहुत कुछ नहीं मिलता है, इसके साथ में आपको कुछ बच्चों के डाइट में कुछ फल कुछ जूस जरूर शामिल करें। सेकंड, बच्चों को पर्याप्त नींद लेने दें। बच्चों को सही नींद का 10 से 14 घंटे की नींद बच्चों को जरूर लेने। अगर बच्चा अगर नींद बराबर नहीं निकालेगा तो उसमें चिड़चिड़ापन और कुछ कमजोरी महसूस हो सकती है, इसीलिए वर्तमान समय में बच्चों को पर्याप्त नींद लेने दें। थर्ड, बच्चों को व्यायाम कराएं। रोज 30 मिनट तक साइकिलिंग हो गई है, जॉगिंग हो गई है, दौड़ना हो गया है, या ऐसा कुछ व्यायाम उस बच्चे को पसंदीदा व्यायाम हो, या फिर उसको कुछ ऐसा खेल हो, वो जरूर कराएं। अगर बच्चा खेलेगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा पावर अंदर महसूस करेगा, इसीलिए 30 मिनट का व्यायाम बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। फोर्थ, विटामिन डी जरूर लें। विटामिन डी की आप टेबलेट न लें, विटामिन डी अपने प्राकृतिक रूप में बहुत सारा मौजूद है अपने यहाँ। आप सुबह 6 से और सुबह की 9 के बीच की धूप लें, सुबह सुबह की, और बच्चों को उसमें आदत डालें। विटामिन डी आपने देखा होगा, अभी अमेरिका में विटामिन डी की बहुत कमी है बच्चों में, और बहुत सारी वो टेबलेट लेते हैं। तो मैं आपको टेबलेट की सजेस्ट नहीं करूँगा, आप एक प्राकृतिक रूप से विटामिन डी लें। सुबह सुबह की जो धूप होती है बच्चों में, अगर वो धूप बच्चों के ऊपर पड़ेगी और बच्चे अगर वो धूप लेंगे तो बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे और विटामिन डी की कमी दूर होगी। फिफ्थ, बच्चों को साफ सफाई की आदत डालें, जैसे नाखून साफ करना, जैसे स्वच्छ कपड़े पहनना, और अपने सामान को कैसे स्वच्छ रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना, एक स्वच्छता की आदत बच्चे में डालें। इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा बैक्टीरिया, जो अनावश्यक बैक्टीरिया हैं, वो उनके शरीर में नहीं आएंगे, और वो साफ सफाई से रहेंगे तो एक्स्ट्रा बीमारियाँ बच्चों में नहीं लगेगी। सिक्स, अनावश्यक एंटीबायोटिक बच्चों को न दें। अगर थोड़ा सा भी बुखार हो या कुछ भी हो तो अगर आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं इसको एंटीबायोटिक भी दीजिए, एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक बच्चों को न दें। इससे क्या है, बच्चों को जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है लड़ने की रोगों से, वो कमज़ोर होती है, इसीलिए सिर्फ डॉक्टर की सलाह और जब जरूरत हो तभी एंटीबायोटिक लें। सेवन, बच्चों को भरपूर प्यार व स्नेह दें। बहुत सारे बच्चों को प्यार और स्नेह नहीं मिलते, उससे भी वो चिड़चिड़ेपन आ जाते हैं, उससे भी उनमें कमजोरी आ जाती है और वो एक नर्वस सा फील करते हैं, तो उसमें उनके शरीर में कमजोरी सी रहती है। तो ऐसा बच्चों को ना करें। बच्चों को हमेशा, हाँ, गलती होने पर उनको डांटे और उनको समझाएं, लेकिन समय समय पर उनको प्यार और स्नेह भी देते रहें। एट, बच्चों को खाने में दही छाछ जरूर खिलाएं, क्योंकि दही छाछ में बहुत ही अच्छी शक्ति होती है। वर्तमान समय में दही छाछ आप बच्चों को जरूर खिलाएं। कुछ तुलसी की पत्तियां भी सुबह शाम बच्चों को जरूर दें। च्यवनप्राश भी एक मात्रा में बच्चों को जरूर खिलाएं। इसी के साथ देखते रहें मेरे वीडियो। नमस्कार।